अब है 5.4 का, 1 तक पूरा बता दिए थे, तो 2 में है यहाँ कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये है यहाँ 32 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो 4 2 8 और 4 3 12। जब दूसरे अंक से जब गुना करेंगे तो उसके नीचे जो दूसरा अंक है उसके नीचे से लिखेंगे, तो 1 2 यहाँ 2 और 1 3 यहाँ 3 हो गया ये। अब इसको ऐड कर दोगे, यहाँ 8 2 2 4 और 1 3 4, यह हो गया आंसर। इसी प्रकार से बी सी डी ई एफ जो है यह बनेगा। अब जैसे नंबर 3 है, कहते सर्कल द करेक्ट आंसर। जैसे ए है यहाँ 73 × 100, तो यहाँ 3 आंसर दिया हुआ है। एक है 730, दूसरा है 7300, एक है 73000। तो अभी हम बताए थे यहाँ नंबर 1 का सी में कि संख्याओं को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं को और 2 0 बैठा देंगे, तो यह हो जाएगा 7300। तो इसमें यह 7300 जो है यह दूसरा है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये इसी प्रकार से बी को मल्टीप्लाई करके देखोगे कि कौन आंसर होता है, सी को इसी तरह से करेंगे, डी को इसी तरह से करेंगे। अब नंबर 4 देखो, नंबर 4 है मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट। 4 का ए है 27 × 15, तो इसको लिख लो ऊपर नीचे 27 × 15, तो 5 7 = 35 के 5 हासिल 3, 5 2 = 10 और 3 हो गया यहाँ 30, 1 7 = 7, 1 2 = 2, इसको ऐड कर दूँगी यहाँ 5 3 7 10, 1 1 1 2 और 2 4, यह हो गया आंसर। अब नंबर 5 में कह रहा है कि मल्टीप्लाई यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। नंबर 5 है यहाँ कि 5 का ए है 38 × 8, तो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे कि जिस संख्या को हम से गुना करेंगे, जिस संख्या को गुना करेंगे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। जैसे यहाँ तो 8 को तुम इधर लेते हो मल्टीप्लाई, और 38 को लिखेंगे हम ब्रैकेट में 30 + 8। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 8 × 30 + 8 × 8, तो 8 3 = 24, एक पर जाए 0 दे देंगे, और + 8 8 = 64। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 0 4 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 2 3, यह 304, यह हो गया आंसर। इसी को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। इसी प्रकार से बी सी डी ई एफ जी एच सब बनेगा।